फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बोगनवेलिया है। कुछ एक टाइम पहले, यानी ठीक है, लगभग 1.5-2 साल हो गए हमने इसे लगाया था। दोस्तों, ये बोगनवेलिया कैसी लग रही है आपको? बोगनवेलिया एक डेजर्ट प्लांट है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक डेजर्ट प्लांट है, इसे बजरी ज़्यादा पसंद है जी। दोस्तों, ज़्यादा लीव कंपोस्ट वगैरह ना दें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, अदरवाइज क्या होगा पता है? पत्ते ज़्यादा आएंगे और फ्लावरिंग होगी कम जी। दोस्तों, बाड़ के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और कलम से भी लगाया जा सकता है। लगाने में बहुत ही अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है। अगर आप इसे टेरेस में, गमले में भी लगा देते तो भी ये आराम से पनप जाता है। दोस्तों, बोगनवेलिया के हैं बहुत सारे टाइप्स है। आपको चलिए फिर कभी मुलाकात कराते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। बस लगाते टाइम ये ध्यान दीजिए कि पानी कम दीजिए और धूप में रखिए, तो खिल खिल करके आएंगे कुछ इस तरह से फ्लावर्स दोस्तों। और वीडियो देखते ही एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। स्कूल में पहला दिन, नमस्कार। देखिए मेरी अलबंडा की बेल कितनी अच्छी फल फूल रही है जी। दोस्तों, इसे मैंने ठीक 1 साल पहले अपने स्कूल में लगाया था, अलबंडा, आहा, लेकिन फ्लावरिंग नहीं आई। हाँ, कुछ शायद न्यूट्रिशन की कमी है दोस्तों। और फिर इसे रहना पड़ा हमसे पूरा 1-1.5 महीने अलग, क्योंकि वेकेशन जो थी। एलवेंडा के फ्लावर्स, चलिए, बहुत सारे फ्लावर्स हमने पिछली बार लगाए थे, यानी पिछले साल लगाए थे दोस्तों। आज मुलाकात कराते हैं हम उन्हीं से। इस तरह से लगाए हुए पौधे बहुत खुशी देते हैं। हाँ, मैं स्कूल में टीचर होंगी लेकिन मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, तो उस अपनी चाहत को किसी न किसी तरह से, अपनी इच्छा को पूरा कर ही लेते हैं। अब इसको सपोर्ट दूंगी कुछ इस तरह से। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये दूसरी एलवेंडा है जो मैंने 1 साल पहले लगाई थी जी। इसी तरह से बारिश के मौसम में भीगते भिगाते हुए नर्सरी से लाई थी और अपने विद्यालय में लगाई थी। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं आप, ये वाइट वाइट कलर का, इसमें कुछ पॉइजन होता है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहें। और इन फूलों को देखकर आपको हो रही होगी खुशी जी दोस्तों। और दूसरा एक पॉइंट कि ऐसे पुराने फूलों को पिंचिंग करना बिल्कुल ना भूलें। टाइम टू टाइम आप पिंचिंग करते रहें तो अलबंडा में पाएंगे बेहद खूबसूरत प्लांट्स। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बस एक बार लगा दिया कि लगा दिया। और हम सब पूरा विद्यालय परिवार करता है मेरे अपने विद्यालय के गार्डन की देखभाल। जैसे कि मैं भी, अभी बच्चे नहीं आए हैं इसलिए मैंने कहा इनको कुछ वक्त दे दूं। दोस्तों, इनकी कुछ प्रूमिंग करूंगी ताकि नए फ्लावर्स आए, ऐसे सदाबहार फूल। तो कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसी लगी मेरी ये एलवेंडा की बेल? दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।